नमस्कार, मैं हूं लवली सुधा। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगले जी। आज हम उनसे शहर के बारे में चर्चा करेंगे, शहर में कितनी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आमदार जी से, महेश चौगले जी से। सर, देखा जाए कि भिवंडी शहर में आप बचपन से रहते हो और आप कुछ देर के लिए आम नागरिक बन जाइए, शहर में क्या क्या समस्याएं हैं आप देख रहे हो, पहले आप उसके थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कौन सी समस्या आपको मुख्य लग रही है शहर के अंदर? इस समय बरसात का समय चल रहा है, तो इस समय कौन सी समस्या आपको जरूरी मतलब मुख्य लग रही है? समस्या तो बहुत सारी है भिवंडी शहर में, आज से नहीं पहले से है, जब से मैं रहता हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सुधार होते जा रहा है। जब आज अपन जो खड्डे का माहौल था, पानी बरसात आई तो लोग मोर्चा निकालते थे, हम भी निकालते थे, खड्डे में निकालते थे, लेकिन आज लोग मोर्चा नहीं निकालते। आज खड्डे है, थोड़े खड्डे है वो है, लेकिन लोगों को ये मालूम पड़ गया कि आने वाले दिनों में अच्छे सीसी रोड बनने वाले हैं। इसके लिए लोगों को भी आज तकलीफ है, लेकिन एक साल में सब तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि आज अपने पास 9 रोड आए हैं पूरा भिवंडी शहर में। 140 करोड़ के रोड के काम आए हैं आज। फिर अभी मेरे इसमें फिर 31 करोड़ सीएम साहब ने दिए हैं, उसमें सब अच्छे रोड अपने आए हैं। फिर धामन नाके से लेके अजूर फाटे तक, धामन नाके से लेकर मंडई तक, ऐसे रोड अपने अच्छे 31 करोड़ के रोड फिर आए। तो ये लोगों को पता है क्या आने वाले टाइम में सब ये समस्या दूर होने वाली है। अभी जो रोड की समस्या है, वो रोड की समस्या खड्डे ज्यादा होने के कारण जितने बने थे उसमें जो क्वालिटी है वो बराबर नहीं थी। आज ब्रिज भी इतने जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक कैसा है, कुछ तो पहले हुए ला है ये चीज, क्या कैसा भी बनाओ, क्योंकि वे टाइम भी गए साल भी ब्रिज गिरा था। आज MMRDA के माध्यम से ब्रिज के लिए फिर रिपेयरिंग करने के लिए अच्छा पैसा आया है, लेकिन ये क्वालिटी बराबर नहीं थी। आज सब एक अच्छा चीज बन रहा है, तो इसके लिए आज बन रहे हैं तो लोगों को पता है कि ये चीज होने वाली है। आज पानी का समस्या थी पहले लोगों को, आज पानी भी अभी 100 MMT तो हम बढ़ा के लाए हैं, लेकिन पानी भी पूरे राज्य में सब जगह वो सिंचन की व्यवस्था की है, पानी जमा कैसा करना है उसको उपयोग करना। और आज सब ज्यादातर सब 99% तालाब भर गए या डैम भर गए, कि उससे वजह से आने वाले इसमें ये तकलीफ भी कम हो जाएगी। नहीं, देखा जाए कि जैसे अजूर फाटे से वजारपट्टी तक का सीसी रोड काम चल रहा है, तो सही समय पे पूरा नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है? सही समय पे नहीं हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्टर की गलती होगी, थोड़ी सी महापालिका की गलती है, क्योंकि उन्होंने रोड भी बना के उनको रोड वाइडिंग है जो है खाली करके देना चाहिए, उधर कुछ कर रहा है वो भी बराबर नहीं कर रहे, तो इसके लिए लेट तो हुआ है, लेकिन लेट हुआ है लेकिन लोगों को लग रहा है कि आज में होने वाला है, वो क्या किधर जाने वाला नहीं है। तो आज आहिस्ता आहिस्ता रोड अभी तो अपन देखेंगे थोड़ा इतना अच्छा रोड बना है, लेकिन यही जल्दी होता तो ये बारिश में आम लोगों को तकलीफ ना हो। लोगों का कहना क्या है कि जिस तरह कॉन्ट्रेक्टर को काम दिए, उस तरह 2 या 3 कॉन्ट्रेक्टर को मिलकर काम देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए था, तो इसमें क्या हो गया? तो पहले कैसा है, वो पहले काम दे रहा है, अभी उसके बाद जो काम आया वो सब काम कॉन्ट्रेक्टर को बढ़ा के यानी डिवाइड करके दिया है। तो वो काम जैसे जैसे लगता है कि अपने को ये काम बराबर नहीं हो रहा, कि ये कर नहीं पा रहा है, वैसा काम हो रहा है। तो अभी सब जगह काम है और एक एक कॉन्ट्रेक्टर का छोटे छोटे 3-3 रोड दिए है, ज्यादा कुछ दिया नहीं, और ये अच्छा से अच्छे रोड बनेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो डैमेज टाइम का काम हुआ है कंपनी ने किया, खड्डे करके वैसे वापस बुझाती है, जगह जगह खड्डे पानी भरा हुआ है, तो ऐसे कंपनी पर कार्रवाई होना चाहिए था, वापस उसको कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है, आपके साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है? बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि वो तो क्या है मेरे को भी समझ में आ रहा है, इतना उसके लायक वो कुछ बराबर काम करता नहीं, सब खड्डे वैसे छोड़ के जाता है, खोदता है तो पाइप फेंक के जाता है, टूटे अंदर पाइप पड़े रहते हैं, लेकिन वो ऐसा करता है कि एकदम दुख लगा है। उसके लिए भी हमने भी लेटर बाजी किया है, हमने भी ऊपर बोला है, लेकिन अभी कैसा है वो ड्रेनेज का काम होना था, आधा छोड़ के जाना भी बराबर नहीं, तो फिर वो काम जैसा आज अपन मानकोरी का ब्रिज दे रहे उसको छोड़ भी नहीं सकते, आधा छोड़ेगा तो वो भी ये हो और जाएगा कोर्ट में, ऐसे ही वही मसला था। इसके लिए वो काम वैसा ही उसको दे चुके हैं, लेकिन वो काम होना जरूरी है, लेकिन उसकी क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं। अभी देखा जाए सामने मुसलमान भाई का बकरीद का त्यौहार आ रहा है, अपने हिंदू लोग का गणपति का त्यौहार आ रहा है, अगर इसी तरह खड्डे रहेंगे तो लोग किस तरह त्यौहार मनाएंगे? तो महानगर पालिका के माध्यम से आपकी तरफ से कम खड्डे तो भरने का काम होना चाहिए। महानगर के माध्यम से हर साल वो खड्डे भरने का कार्यक्रम होता है, लेकिन अभी मैं तो बोलता हूँ इस बार भी होएगा, और मैं भी आयुक्त से मिलके महापौर को बोल के ये सब काम
करने बोलूंगा और हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये इतना इसके किसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिवंडी को एक अच्छा रोड मिलेगा, ये मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को आश्वासन देता हूँ। अभी देखा जाए तो आपने कुछ महीनों पहले कई रोड का उद्घाटन किए थे या कई निधि पास कराए थे, वो रोड का अभी तक काम क्यों नहीं पूरा हुआ, ऐसे लोग पूछते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, हमने सब रोड का ये किया था, रोड का रोड वाइडिंग की वजह से महापालिका रोड वाइडिंग करके नहीं दे रही। अपना अपना कोई आदमी आता है, कोई एक आदमी की वजह से कोई आदमी कोर्ट में जाता है, उसके वजह से वो काम है, फिर भी हम काम नहीं बंद करें। रोड वाइडिंग अभी मेरे एरिया की है, सब लोगों ने तोड़ा है, लेकिन एक आदमी कोर्ट में गए जान बुझ के, उसको के गांव का ही नहीं, उसकी सिर्फ घर का देखा, लेकिन महापालिका उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही। क्या महापालिका ने उसको करके, तो कॉन्ट्रेक्टर तैयार है और रोड बनाने को तैयार है। आज तुम बोलोगे तो आज कामतघर का रोड चालू है, देवजी नगर का चालू है, ये रोड चालू है, रतन डॉगेज का थोड़ा चालू है, लेकिन धीमे गति से चालू है। उनको भी फास्ट करने का काम महापालिका के इंजीनियर को दिया है, तो इंजीनियर उनको लग के करना चाहिए। दूसरे विषय शहर में अनलीगल बांध काम, अभी 30 तारीख महासभा में जो विरोधी पक्ष नेता थे श्याम अग्रवाल, उन्होंने निवेदन दिया था और महापौर ने बोला उनको कि जितने भी अनलीगल काम हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, जिससे शहर में जो गरीब लोग हैं वहां फ्लैट बुक करते हैं, बाद में टूट जाता है तो उनका बहुत सारा नुकसान होता है, तो इस बारे में क्या कहोगे अनलीगल बांध काम को लेकर? देखो कैसा है, अनलीगल बांध काम आज से नहीं चल रहा है, ये एक लॉबी है वो पूरी बांध काम के करते, किसको कर बोलती है, इसको करने बोलती है, फिर उसको पीछे से पकड़ती है, ये इनका काम है। आज किसको पता नहीं अनलीगल बांध काम किधर चल रहे, 90% काम अनलीगल बांध काम चल रहे, तो महापालिका के कर्मचारी को नहीं पता, किसको नहीं पता, ये सब चीज पता है, ये सब मिली भगत है। अनलीगल बांध काम आज लीगल बांध काम चल रहे, लीगल बांध काम तोड़ रहे, लेकिन अनलीगल बांध काम तोड़ने का उनको टाइम नहीं है। लोगों ने परमिशन लिया, लोगों ने सब किया, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना के, कुछ ना कुछ कोर्ट में उल्टा सुलटा करके वो करके लोगों का यानी बांधेला घर तोड़ रहे, यानी महापालिका इतनी ये है कि लोग ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, कि लोगों को सिर्फ ना इनको क्या करता है, अपना घर भरना है, अपना जेब भरना है, इसके लिए अनलीगल बांध काम चल रहा है। एक कोई अपन एक छोटा सा भी कोई बात करो तो लोगों को पता चलता है, इतनी बिल्डिंग साथ साथ माले की खड़ी रहती है, इनको पता नहीं चलता, इन्होंने कभी भी दिखाओ क्या, इन्होंने खुद में जाके उसको नोटिस दिया है, कोई तकरार करेगा तो जाके नोटिस देंगे, कोई पत्रकार बोलेगा कि उधर काम चल रहा है तब जाके नोटिस देंगे, क्यों, क्या अपनी नौकरी बचाने के लिए, और एक दिखाया हुआ क्या नोटिस रहता है, 156 का नोटिस देगा, ये करे 15 दिन का, तू जा दिखाने का, तू जा और मैं जाता हूं, तू उसको बोलेगा तू कोर्ट में जा, ये करके काम करते, इसके वजह से जो ब्लैकमेलर है उनका फायदा हो रहा है, वो अच्छा पैसा कमा रहे, जो इसमें ये जो महापालिका जो अंदर के भ्रष्टाचार लोग है, कुछ लोग है वो लोग उसमें पैसा कमा रहे, और बाद में ये बिल्डर है उनको भी कमाना है, वो भी कैसा भी बांध के गरीबों को फंसा रहे, और गरीब भी क्या उनको मालूम पढ़े लिखे नहीं है, वो देखते नहीं परमिशन है नहीं है, ले रहे और बर्बाद हो रहे, और टूटने के बाद किधर जा रहे हो, सब रोड पे तो आ रहे, लेकिन जो लीडर है जो अर्जी करता है तो उसको पहले अर्जी तो महापालिका का कर्मचारी को और जो इंजीनियर रहेगा उसके ऊपर करना चाहिए, सिर्फ बिल्डर के ऊपर क्यों करते हैं, बिल्डर के ऊपर करते हैं, बिल्डर कुछ तो देगा इसके लिए बिल्डर के ऊपर करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं करते, पहले उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। अभी ये चलो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो जाएगा, लोगों ने अभी आपके माध्यम से बोलते हैं, आप भी सतर्क रह के उनको पूछ दो, हमारे नगर से पूछते हैं, आज भाई जी ने बड़ा विषय उसका लिया है, तो ये पूछेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन ये सब एक जो रिंग है ना, इनको जो भ्रष्टाचार की आदत लगी है वो कहां ना कहां मिटनी चाहिए। एक बार फिर से शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इन खड्डों को लेकर? देखो खड्डे का समस्या बहुत सालों से थी, लेकिन आज भी शहरवासी को तकलीफ हो ही रही है, मैं आयुक्तों को संदेश देता हूँ आपके माध्यम से जल्द वो खड्डे भरे जाए, और आपके जो रोड पास हुए हैं वो जल्द से जल्द आपके इंजीनियर आपके दबाव से वो जल्द से जल्द चालू शुरुआत की जाए, क्योंकि उससे आम आदमी को तकलीफ ना हो, और मैं आम आदमी को बोलता हूँ ये जल्द से जल्द तकलीफ आपकी मैं दूर करूंगा, इतना मैं आपको सबको दिल से आश्वासन देता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, इतना दो शब्द मेरे बोलता हूँ। ये थे हमारे आमदार महेश चौगले जी, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।